आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल नए स्वाद के मोमोज की रेसिपी। तो अगर आप भी रेगुलर मोमोज खा खा कर बोर हो गए हैं, वही स्वाद खाकर बिल्कुल बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो मोमोज ट्राई कीजिएगा जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो लो आ गई है बिल्कुल नए मोमोज की रेसिपी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तीखी लाल चटपटी चटनी बनाना भी। तो लाल वाली मोमोज की चटनी भी हम इसमें सीखेंगे, वेज मोमोज भी सीखेंगे जो कि बहुत ही हेल्दी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल नए टेस्ट के बनेंगे। इसके साथ ही हम इसको बिना स्टीमर के कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। ढेर सारे मोमोज सिर्फ 5 मिनट में आप कैसे बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए बनाना देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियों को हमें पहले से काट कर या फिर ग्रेट करके रखना होगा, लेकिन इससे पहले यहां पर हम लेंगे सबसे पहले 1 कप के करीब सोयाबीन। 1 कप सोयाबीन को यहां पर गर्म पानी में हमें भिगोकर लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ना होगा। 20 मिनट के बाद में जब ये अच्छे से फूल जाएंगे, इसके बाद में इनको हल्का ठंडा करके यहाँ पर इनको निचोड़कर इस तरह से निकालकर मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स करते हुए इनको इस तरह से थोड़ा सा पीस लेंगे। तो सोयाबीन हमारी यहाँ पर पिसकर तैयार हो चुकी है, इसको सोया चंक्स भी बोलते हैं। अब हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगी एक कढ़ाई, तेल को डालना है, तेल को गर्म करके डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन, लगभग 7 से 8 कली लहसुन मैंने काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही लगभग 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा या फिर घिस कर डाल दे, कूट कर डाल दे या फिर कद्दूकस करके डाल दे। सारी चीजों को अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए। गार्लिक को बढ़िया से हमें भून लेना है, तो लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए। साथ ही गार्लिक भी जब थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर अनियन। तो 1 प्याज ले लीजिए मीडियम से, लार्ज साइज की, बड़ी साइज की, और इसके बाद में उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिए। आप चाहें तो प्याज को आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर में चॉप करके डाल दीजिए ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लहसुन को भून लिया है, कलर अच्छा आ गया है। तो चलिए इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब प्याज को भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ही ये थोड़ी सी ना लाइट ब्राउन कलर की होने लगेगी तो बस इतना ही हमें इसको भूनना है। ये देखिए हल्का सा कलर इसमें आ चुका है प्याज में। तो अब इसमें डालेंगे अपनी पसंद की सब्जियां, जैसे मैंने यहाँ पर आधी गाजर को ना कद्दूकस करके डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आपके पास हरी शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसको बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने बारीक काट कर डाल दिया। यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 कप के करीब पत्ता गोभी। आप बोल सकते हैं कि मीडियम साइज का आधा पत्ता गोभी है जिसको कि मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके डाला है। मोटा वाला कद्दूकस लिया था जिसको मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया पत्ता गोभी को और उसको डाल दिया है मैंने। इसको भी हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो पत्ता गोभी होता है वो काफी पानी रिलीज करता है जब उसको हम कुक करते हैं, पकाते हैं। पर यहाँ पर मेरे पत्ता गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा है। अगर इसमें पानी छूटता है तो उस पानी को आप जला लीजिएगा। अब साथ ही यहाँ पर जो सोयाबीन हमने पीस कर रखी थी, सोया चंक्स पीस कर रखी थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सोयाबीन डालने से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ ही इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। तो वैसे अगर बच्चों को आप देते हैं अगर मोमोज, तो उसमें सब्जियां तो होती हैं लेकिन उसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता। पर इस तरह से सोयाबीन अगर डालकर आप देंगे ना तो उनको पसंद भी बहुत ज्यादा आएंगे, साथ ही और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, प्रोटीन रिच हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ढककर इसको आपको छोड़ना है लगभग 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में ये देखिए सब्जियां हल्की सी कुक हो जाएंगी और बस इतना ही हमें इनको पकाना है। इसके बाद गैस को बिल्कुल ऑफ कर दें, पूरी स्टफिंग को बिल्कुल ठंडा कर लें और इसके बाद इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले ठंडा करके डाला है 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर सोया सॉस, डार्क वाली सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। ये देखिए लगभग 2 टेबलस्पून यानी कि 2 से 3 चम्मच हमें सोया सॉस ऐड करनी है। वैसे अपने हिसाब से आप जो भी सॉसेज मैं ऐड कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद वाला सिरका। तो ये देखिए सिरका भी मैंने डाल दिया है, जो चाउमीन वाला सिरका होता है ना वही आपको इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें यहाँ पर ऐड करने वाले हैं लगभग 1 चम्मच के करीब नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच मैं इसमें MSG यानी कि अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ, आपके ऊपर है, आप चाहे तो ना डालें, पर बाजार में ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और बस इतने ही मसाले हमें ऐड करने हैं। आप चाहे तो इसमें रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पर अगर आपके पास इनकेस नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। कभी कभी बहुत सारे लोगों के पास ना सोया सॉस भी घर में अवेलेबल नहीं होता और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सोया सॉस डालनी है
है या नहीं। देखिए डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट बढ़ जाता है मोमोज का, और अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टफिंग ठंडी है और बहुत अच्छे से सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया है, तो थोड़ी सी स्टफिंग को हम इस तरह से निकाल लेते हैं एक बोल में, ताकि इसको हम आसानी से अपने मोमोज में फिल कर पाएं। तो स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम मोमोज के लिए आटा भी लगा लेते हैं। तो मोमोज का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बर्तन, इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब मैदा, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच के करीब नमक, और इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सोयाबीन ऑयल ऐड किया है, आप कोई भी रिफाइंड या कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। एक बार अच्छे से नमक को और तेल को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और इसके बाद में पानी डालकर इसका हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, यानी कि जो आटा है वो बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आटा लगाकर रेडी कर लें, और इसके बाद में 15 मिनट के लिए आटे को ढककर छोड़ दें, ताकि आटा सेट हो जाए। देखिए आटा लग चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं, और अब इसको ढककर छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, दोबारा से इसको एक बार नीट कर लेंगे, यानी कि मल लेंगे, और इसके बाद में इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो मोमोज भी आपने देखा है मार्केट में तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, घर में हम उतने छोटे नहीं बनाएंगे, थोड़े से बड़े साइज के बनाएंगे। अपने हिसाब से मोमोज की आप लोई ले सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा अपने हिसाब से तोड़कर, और मोमोज का साइज अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर के मोमोज ना मार्केट जैसे नहीं बनते, बाजार जैसे नहीं बनते, तो बिल्कुल बारीकी से आप देखें सारी बातों पर, सारी टिप्स पर ध्यान दें, तो आपके मोमोज भी बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और ये जो मोमोज है ना, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको स्टीम्ड मोमोज दिखा रही हूँ, और इन मोमोज को फ्राइड मोमोज में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर देखिए एक लोई लेनी है आपको इस तरह से, और इसको आपको बेल लेना है इस तरह से, 3 से 4 सेंटीमीटर के आप डायमीटर में इसको बेल लीजिएगा इस तरह से। छोटी सी एक पूरी सी आपको बनाकर यहाँ पर बेलना है, और बीच में हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग रख देंगे, और इसके बाद में इसको शेप आउट कर देंगे, यानी कि मोमोज की शेप दे देंगे। पानी वगैरह लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ये देखिए हल्का सा इसको हमने इस तरह से बेल लिया, और बीच में रख दीजिए स्टफिंग अच्छी क्वांटिटी में, और बस इसको अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो मोमोज बनाने की भी ना बहुत सारी शेप्स होती है, जो भी शेप आपको पसंद हो आप आसानी से बना पाएं, जो भी आपको आती हो उस शेप में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे मोमोज आप बनाकर रेडी कर लीजिए, और दूसरी तरफ मैंने स्टीमर को भी पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो स्टीमर को नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है 1/2 से 1 ग्लास के करीब पानी, पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऊपर से छलनी रख दी है। छलनी पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, ताकि जो छलनी है थोड़ी सी चिकनी रहे और उस पर मोमोज चिपके ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गर्म होने लगा था, अच्छे से भाप बनने लगी थी, तो मैंने इसमें रख दिए यहाँ पर मोमोज। अब इसको ढककर हम छोड़ देंगे, और जब भी आप मोमोज इस तरह से छलनी पर रखें तो आप ध्यान दें कि बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ताकि जो मोमोज है ना आपस में चिपके ना। तो ढक्कन लगाकर इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक यहाँ पर हम मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद में ये देखिए मोमोज इस तरह से हमारे स्टीम होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो इनको हम हल्का ठंडा करके निकाल लेंगे, और इसके बाद में हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इसी वीडियो के लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि मोमोज वाली लाल चटनी आप कैसे बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको मोमोज दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे मोमोज बनकर तैयार हुए हैं, अंदर से मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर से देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है, और बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं। तो इसको यहाँ पर आप लाल वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और ये वाली जो व्हाइट चटनी है ना, ये भी मोमोज के साथ बहुत टेस्टी लगती है। जब भी मैं अगली रेसिपी आपको दूंगी ना मोमोज की, तो उसके साथ ये व्हाइट चटनी की रेसिपी मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। तो फिलहाल तो आप लाल वाली चटनी मोमोज की घर में कैसे बना सकते हैं, साथ ही ये वाले वेज मोमोज, या फिर इनको आप सोयाबीन मोमोज भी बोल सकते हैं, तो सोया मोमोज या वेज मोमोज जो भी आप बोले, बहरहाल बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है, टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए लाल वाली चटनी भी बनाना देख लेते हैं। तो मोमोज की लाल चटनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर लाल मिर्चे। तो मैंने लगभग यहाँ पर 14 से 15 लाल मिर्चे ली हैं, साथ ही 3 से 4 यहाँ पर लिए हुए हैं मीडियम साइज के टमाटर। तो यहाँ पर 3 छोटे साइज के हैं, आप 3 मीडियम साइज के ले लीजिएगा। सबसे पहले टमाटर में इस तरह से स्क्वायर का कट लगा देंगे, सारे टमाटर में इस तरह से कट लगाकर रेडी कर देंगे।
इसके बाद में एक पैन लेकर इसमें डालें एक ग्लास के करीब पानी, टमाटर और लाल मिर्ची इसमें डाल दें। ढक्कन लगाकर इसको लो मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम तक लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट में टमाटर अच्छे से उबल जाएंगे, साथ ही लाल मिर्च भी अच्छे से बॉयल हो जाएगी। इसके बाद में ठंडा करके टमाटर का छिलका हटा दें। तो सारा छिलका इस तरह से हटा देंगे, सारी चीजें ठंडी हो चुकी हैं। तो टमाटर और लाल मिर्च को हमने पीस लिया है इस तरह से। अब एक पैन या कढ़ाई लेकर इसमें डालें 2 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म करके 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक डालकर अच्छे से भून लेंगे। साथ ही यहां पर जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था ना लाल मिर्च के साथ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहां पर इसमें हमें डालना होगा नमक, साथ ही इसमें जाएंगी कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच के करीब डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, 2 चम्मच के करीब नमक डाला है और आधी चम्मच शक्कर ऐड की है। इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से 2 मिनट तक हमने सॉस को अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हमने ऐड की है 2 टेबलस्पून के करीब यहां पर टोमेटो केचप और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो बस ये हमारी लाल तीखी चटपटी मोमोज की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ठंडा करके किसी भी जार में भरकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और आराम से मोमोज को कई दिनों तक इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी वेज मोमोज की रेसिपी, साथ ही यहाँ पर लाल चटनी की रेसिपी, जरूर बताइएगा, बनाकर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई एम श्योर आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाई।